हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल मैक्सिमम सॉल्यूशन। आज के इस वीडियो में हम कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ेंगे। कार्ल मार्क्स कौन थे, इनकी थ्योरी जो है हर चैप्टर में आपसे पूछी जाएगी पॉलिटिकल साइंस के। ये एमपीएस वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा और एमपीएससी अगर आप कर रहे हैं, एमपीएससी 03 का ही एक चैप्टर है ये कार्ल मार्क्स, जिसमें और डिटेलिंग में इनके क्या सिद्धांत थे और इनके जीवन परिचय के बारे में भी यहाँ दे रखा है। इससे पहले एमपीएस की मैंने जो वीडियो बनाई थी उसमें कार्ल मार्क्स ने अपने क्या थॉट्स दिए थे सिर्फ उसी के बारे में हमने पढ़ा था, और वो भी जो है आपको काफ़ी उसमें शॉर्ट में बताया था। यहाँ पे आपको कार्ल मार्क्स का जीवन परिचय और उनके सिद्धांत, एक एक सिद्धांत को बता रखा है यहाँ पे आपके चैप्टर में भी, और इन्हीं पर क्वेश्चन बनेगा तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और इसके अलावा कुछ भी ऐसा आपके जो है यहाँ पे रह जाता है इस वीडियो में, वो आपको नोट्स में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे कार्ल मार्क्स जो थे उनका जीवन परिचय, अगर जीवन और काल की बात करें यानी कि उनके टाइम पीरियड में उन्होंने क्या क्या चीज़ें करी और क्या क्या स्टडी जो है उन्होंने यहाँ पर की थी उसके बारे में बात करेंगे। तो मार्क्स का जन्म रायनॉल्ड के ट्रायल नामक स्थान पर एक यहूदी परिवार में हुआ था। ये रायनॉल्ड जो है एक जर्मन का ही एक, मतलब वहीं की एक जगह है, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था, और यहूदी परिवार में यानी कि जो क्रिश्चियन लोग होते हैं उनके परिवार में इनका जो है जन्म हुआ था। मार्क्स अनुसार समाज की अवस्थाएं हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हमेशा हम जो है इसी के बारे में इनकी, मतलब इनकी जो थॉट्स थे या इनके जो भी इन्होंने समाज को लेकर जो अवस्थाएं बताई थी उसी के बारे में पढ़ के हम जो है कार्ल मार्क्स को और जान सकेंगे। तो इसलिए यहाँ पे इनके जीवन परिचय से ज़्यादा इनके थॉट्स के बारे में बताया गया है। तो मार्क्स के अनुसार इन्होंने समाज की तीन अवस्थाएँ यहाँ पर बताई है, एक आदिम साम्यवाद, एक दासता, सामंतवाद, पूंजीवाद और साम्यवाद। ये इन्होंने जो है कुछ अवस्थाएं, पांच अवस्थाएं जो है इन्होंने यहाँ पे समाज की बताई हैं, एक आदिम साम्यवाद, दासता, सामंतवाद, पूंजीवाद और साम्यवाद। और सबसे ज़्यादा इन्होंने जो जिस पे अपनी टिप्पणी दी है, सबसे ज़्यादा इन्होंने जो जिसका पक्ष लिया है वो है साम्यवाद और पूंजीवाद का। इन्होंने विश्लेषण किया है, मतलब विश्लेषण किया है इन्होंने यहाँ पर, उसके बारे में इन्होंने ज़्यादा चर्चा की है और उसके विचार का ही ज़्यादा है, उसके बारे में ज़्यादा बोला है, तो इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। मार्क्स ने जेना विश्वविद्यालय से दर्शन में पीएचडी की उपाधि प्राप्त करी थी। दार्शनिक शास्त्र में इन्होंने जेना विश्वविद्यालय से जो है पीएचडी इन्होंने ली थी, और अपने विद्यार्थी जीवन में ही इन्होंने समाजवाद की ओर ये आकर्षित हो गए थे। यानी समाजवाद उस टाइम पर चल रहा था और समाजवाद जो है इनको इतना, मतलब इनके जो भी इनके थॉट्स थे समाजवाद को लेकर उसके बारे में इन्होंने बताया था। तो यहाँ पे उग्र राज्य विरोधी विचार के कारण उन्हें प्रशिया से भी निष्कासित कर दिया गया, मतलब जर्मन की ही एक जगह है, वहाँ से भी इनको जो है निष्कासित कर दिया गया, क्योंकि ये जो है राज्य में विश्वास नहीं रखते थे। ये कहते थे कि जो राज्य होता है वो व्यक्तियों का शोषण करता है, वो सिर्फ शोषण करने के लिए बनाया गया है, इसलिए राज्य का विरोध करते थे। तो वहाँ के लोगों ने क्या किया, इन्हें वहाँ से निकाल दिया, और उसके बाद ये फ्रांस चले गए। पर जब ये फ्रांस में रहने लगे तो वहाँ पे भी जो है जर्मन की सरकार ने, क्योंकि जर्मन से आए थे, वहाँ की सरकार ने भी फ्रांस पर दबाव डाला कि इन्हें वहाँ से भी निकाल दिया जाए। तो उसके बाद इन्हें फ्रांस से भी निकाल दिया जाता है, और फिर 1849 में इंग्लैंड में जाकर बसना पड़ा, और 1883 तक इनकी मृत्यु वहीं पर हुई थी। इंग्लैंड में जाकर फिर ये लास्ट में वहाँ पर जाके बसे थे और वहाँ पर ही इनकी जो है मृत्यु हो गई थी। और सबसे ज़्यादा पूंजीवाद और साम्यवाद के बारे में इन्होंने बात करी है, तो उसी को हम जानेंगे। साम्यवाद निधि संबंधी घोषणा पत्र कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ये इम्पॉर्टेंट है, ये नाम आपको याद रखना। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में ही इन्होंने जो है साम्यवाद के बारे में बताया था। पूंजीवाद समाजों में वर्ग दे स्पष्ट किया है, जो वर्गों के ऐतिहासिक विकास और वर्ग संघर्ष में चरम बिंदु है। इन्होंने अपनी जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो थी उसी में पूंजीवाद और साम्यवाद के बारे में बताया था, और किस तरह से लोगों का शोषण हो रहा है इसकी वजह से उसके बारे में ये बताते हैं। तो पूंजीवाद समाजों में यहाँ पे इन्होंने बताया था, मध्यवर्गीय युग में समग्र रूप से दो समाज हैं, एक मध्यम वर्ग और सर्वहारा वर्ग, जो प्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे के सामने हैं। यहाँ पे इन्होंने जो है पूंजीवाद, और एक होता है सर्वहारा वर्ग, जो कि बेसहारा लोग जो होते हैं जिनके पास कोई काम नहीं बचा है अब, उसके बारे में इन्होंने यहाँ पे बताया था कि यहाँ पे दो वर्ग में समाज जो है बट गया है, एक है मध्यम वर्ग या फिर पूंजीवादी वर्ग, और एक है सर्वहारा वर्ग।
तो यहाँ पे दो वर्ग में बढ़ गया है, क्योंकि यहाँ पे ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था इसमें कि 18th-19th century में जब हमारा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो रहा था हमारे यहाँ पे यानी कि इंडिया में, तब इन्होंने वहाँ पे जब जब नए नए उद्योग लग रहे थे तो उसके बाद वहाँ के जितने भी लोग थे, मतलब जो हाथों से अपना काम कर रहे थे, वो बेसहारा हो गए थे, उनकी जगह अब मशीनों ने ले ली थी। तो जितने भी बेसहारा लोग थे, मजदूर थे, उनका इन्होंने पक्ष लिया था और उन्हीं के पक्ष में इन्होंने जो है अपने कुछ सिद्धांत बताए थे और सभी मजदूरों को कहा था कि वो अपने हक के लिए लड़े। उन्हें प्रेरित किया था अपनी बुक्स के ज़रिए भी और उनके उनको भी मतलब यहाँ पे बताया था कि सभी मजदूर जो हैं वो मजदूर संघ एक हो जाएं और पूंजीवाद परंपरा के खिलाफ लड़ें। तो उन्होंने परंपरागत मार्क्सवाद में द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, ऐतिहासिक भौतिकवाद और वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, क्रांति का सिद्धांत, ये सब सिद्धांतों के बारे में इन्होंने बताया, ताकि मतलब इनके अगर मार्क्सवाद के लिए अगर हम लड़ना चाहते हैं, मार्क्सवाद इनको लड़वाना चाहता था कि जो पूंजीवाद है उनसे हम किस प्रकार से लड़ सकते हैं और अपने अधिकारों को हम ले सकते हैं। तो उन्होंने मार्क्सवाद की जो पूरी विचारधारा थी वो हिंसक थी, इसलिए माने जाते हैं क्योंकि इन्होंने सर्वहारा वर्ग जो थे उनके में इन्होंने कहा था कि हमें अपने हक के लिए यहाँ पर लड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर धन इनका द्वंद्वात्मक क्या था, यहाँ पर द्वंद्वात्मक में इन्होंने वाद, प्रतिवाद और संवाद का सिद्धांत दिया है। यानी कि हम पहले ही कहते हैं कि हमारे अगर कोई भी चीज़ हमारे समाज में हो रही है तो सबसे पहले उसकी हम बातचीत करते हैं, यानी वाद होता है एक, जो हम कुछ भी तर्क देते हैं या कुछ भी बातचीत करते हैं तो हम सबसे पहले वाद देते हैं, फिर उस चीज़ का विरोध होता है तो उसको हम प्रतिवाद कहते हैं, और अगर उस वाद और प्रतिवाद से जो भी निष्कर्ष निकल कर आता है उसे हम संवाद कहेंगे। तो संवाद जो होता है, जो परिणाम निकल कर आना चाहिए, वो यहाँ पर बेहतर होना चाहिए। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत में इन्होंने वाद, प्रतिवाद और संवाद का यही सिद्धांत बताया। इसके बाद ऐतिहासिक भौतिकवाद, इसके बारे में इन्होंने 1848 में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में ही इन्होंने लिखा था ऐतिहासिक भौतिकवाद के बारे में कि मतलब इतिहास से अभी तक जितने भी वर्ग चलते आ रहे हैं उनके संघर्षों के बारे में एक तो इन्होंने बताया था, और समाज में इतिहास से ही बुर्जुआ और सर्वहारा वर्ग में संघर्ष रहा, ये कह रहे हैं। यानी कि एक समाज ऐसा होता है, समाज में हमेशा से दो वर्ग होते आए हैं। एक वर्ग वो होता है जो ज़्यादा शक्तिशाली होता है, जिसके पास ज़्यादा संपत्ति होती है, तो उसको इन्होंने बुर्जुआ वर्ग कहा है, और एक वर्ग ऐसा होता है जिसके साथ शोषण हो रहा होता है। इतिहास की भी बात करें, जैसे ज़मींदार होते हैं वो अपने श्रमिकों का करते हैं शोषण, किसानों का शोषण करते हैं, और फिर उसके बाद पूंजीवाद जो है श्रमिकों का शोषण करते हैं। तो इस तरह से हर ही मतलब स्टेज में कोई ना कोई वर्ग एक दूसरे वर्ग का शोषण कर रहा होता है, ये बता ऐतिहासिक भौतिकवाद, यानी इतिहास से ही हमारे समाज में ये शोषण चलता आ रहा है, और बुर्जुआ वर्ग जो होता है वो सर्वहारा वर्ग का संघर्ष करता है। वर्ग संघर्ष का फिर इन्होंने सिद्धांत दिया है, ये इसमें भी इन्होंने ये बताया था कि इतिहास से चलता आ रहा है और वर्ग संघर्ष जो है अवश्य होता है यहाँ पे, और ये इन्होंने वर्ग संघर्ष के सिद्धांत में ये बताया था कि इतिहास से जो भी वर्ग बनते आ रहे हैं उसमें एक दिन ऐसा होगा जब जो सर्वहारा वर्ग है वो इनके खिलाफ लड़ेगा और एक समाज में एक ही वर्ग बचेगा जो कि सर्वहारा वर्ग होगा, और वहाँ पे राज्य पूरा ख़त्म हो जाएगा। जो लोग भी मतलब किसी पे अपना आधिपत्य कर लेते हैं, अपना जो है कब्ज़ा कर लेते हैं अपनी उनकी सोच विचार पर और अपने अधिकार उन पर लगाने लगते हैं, तो वो वर्ग एक दिन ख़त्म हो जाएगा और जो भी श्रमिक वर्ग हैं उन्हीं का राज होगा पूरे में। किसी भी तरह का राज्य नहीं होगा, कोई भी किसी का शोषण नहीं कर रहा होगा, एक ऐसे समाज की जो है ये कल्पना करते हैं यहाँ पर कि वर्ग संघर्ष, अगर हमें कुछ भी करना है तो हमें जो दूसरा वर्ग है, जो कमज़ोर वर्ग है, उसको अपने लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी, और इससे ये परिणाम निकल कर आएगा कि हमें एक ही वर्ग हमारे समाज में बचेगा। इसके बाद इन्होंने क्रांति का सिद्धांत दिया, यानी कि वही जो शोषण हो रहा था जिन लोगों के साथ, उनको क्रांति करने के लिए यहाँ पर इन्होंने प्रेरित किया था कि हमें जो है क्रांति के द्वारा ही हम कुछ बदलाव ला सकते हैं समाज में और अपने शोषण को रोक सकते हैं, क्रांति द्वारा ही संघर्ष को समाप्त किया जा सकता है, ये इन्होंने इसमें कहा था कि अगर हम कुछ भी बदलाव लाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्रांति जो है शुरू करनी पड़ेगी। जब भी कोई किसी भी चीज़ का विरोध होता है तो उसका परिणाम जो है कुछ ना कुछ जरूर निकल कर आता है। अगर हमें हमें पूरे अधिकार नहीं मिलेंगे तो उसका हमें 50% तो मिलेगा। इस तरह से जो है इन्होंने कहा था कि क्रांति हमें करनी चाहिए, तभी हमें उस कुछ
उसका जो है आउटपुट निकल कर हमें मिल सकेगा। इसके बाद इन्होंने अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत दिया, जिसके अंतर्गत इन्होंने बताया था कि किस प्रकार से जो शोषित वर्ग है या जो श्रमिक वर्ग है उनका मेहनताना उनसे छीना जा रहा है, उनका मेहनताना जो पूंजीवादी वर्ग है वो उनका मेहनताना छीन रहे हैं। अतिरिक्त मूल्य यहाँ पे इसलिए कहा गया है कि उनकी जितनी वो मेहनत कर रहे हैं और जितना उनका श्रम बनना चाहिए, जो पूंजीवादी क्या करते हैं उनके उतने श्रम को भी नहीं देते हैं और उससे भी जो है बहुत कम उन्हें मिलता है, तो इसलिए उनको लाभ ज़्यादा प्राप्त होता है उनकी मेहनत से और उनका मेहनताना उन्हें कम मिलता है। इसलिए इन्होंने यहाँ पे कहा है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत में किसी वस्तु के उत्पादन में श्रम ही मुख्य है, मुख्य है का मतलब यहाँ पे जो मजदूर है वही मुख्य है और कच्चे माल को पक्के माल में परिवर्तित करता है एक मजदूर। ये बताते हैं कि जो उत्पादन है उसमें सबसे ज़्यादा श्रम ही इम्पॉर्टेंट होता है, जो मजदूर है वही जो मेहनत कर रहा है वही इम्पॉर्टेंट है, अगर वो मेहनत नहीं करेगा तो कुछ भी चीज़ कैसे उत्पादित हो पाएगी। तो वो कहते हैं कि अगर श्रम ही नहीं होगा तो क्या चीज़ उत्पादित होएगी, और मजदूर ही यहाँ पे जो है सबसे महत्वपूर्ण है कच्चे माल को पक्के माल में बनाने के लिए। और फिर भी ये लोग जो है पूंजीवादी वर्ग जो है इनका शोषण कर रहे हैं और इनको इनकी जितना ये मेहनत कर रहे हैं उनके हिसाब से उन्हें नहीं दे रहे हैं। इसके बारे में इन्होंने तो है यहाँ पे अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत में बताया था। इस सिद्धांत के बारे में यहाँ पे स्टूडेंट मैंने आपको शॉर्ट में बताया, इसकी फुल एक्सप्लेनेशन आपको नोट्स में मिल जाएगी। तो ये सारे आपसे एक एक क्वेश्चन बन सकता है कि एक एक पॉइंट पर द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत क्या था, ऐतिहासिक क्या था। तो इसमें आपको इनकी बुक्स के नेम, जैसे यहाँ पर मैंने सिर्फ ऐतिहासिक का बताया था कि इन्होंने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में दिया था, इस तरह से ही आपको आंसर देना है। 1848 में इन्होंने बताया था, और भी चीज़ें के बारे में जो है आप इसके और भी ब्रीफ में लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए जो है ये पॉइंट समझाए, तो फुल एक्सप्लेनेशन के लिए आप नोट्स ले सकते हैं जो कि आप व्हाट्सएप पे DM करके हमसे लेंगे, और यही इनका जो है परंपरागत मार्क्सवाद कहलाता है। फिर इसके बाद इसमें और भी परिवर्तन आया, लेनिन आए उसके बाद और लोकाच्यू आए, उन्होंने जो है इसमें कुछ परिवर्तन किया, अपने भी इसमें मत दिए थे, तो इसका जो है एक अलग से चैप्टर है, वो अगली वीडियो आपके उसके अंदर बताया जाएगा। यहाँ पे कार्ल मार्क्स कौन थे, उनकी क्या मोस्टली जो जिस पे जोर दिया जाता है, जिस अगर हम उनको जानना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें उनके पूंजीवाद सिद्धांत और साम्यवाद के बारे में जानना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने किस तरह से शोषित वर्गों को जो उनके बारे में सोचा है और उनको प्रेरित किया है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया, और उसी से हम जो है इनके व्यक्तित्व का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो यहाँ पे इनके जो है जीवन और काल के बारे में ज़्यादा यहाँ पे नहीं दे रखा। तो स्टूडेंट यहाँ तक आपको चैप्टर हमारा समझ में आया हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, और आप हमें कमेंट में भी जो है अपना रिव्यू दे सकते हैं, या फिर अगर आपका कोई नेक्स्ट टॉपिक होता है या कोई नेक्स्ट फिलोसोफर पे आप वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप हमें बता सकते हैं।